नमस्कार जनप्रवाद में आपका स्वागत है। आपके शहर की खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा पहुंचे। इस बार सीएम योगी के तेवर बदले नजर आए। तय कार्यक्रम में चार बार बदलाव कर अधिकारियों को भी खूब छकाया। सीएम योगी हेलीकॉप्टर से सीधे तिंदवारी कस्बे की कान्हा गौशाला पहुंचे। यहां आनन फानन में बनाई गई गौशाला की कमियों को वो भांप गए। हैरानी तो तब हुई जब सीएम योगी खुद गुड़ की बड़ी थाल लिए लगभग एक मिनट तक गाय की दो बच्चियों के सामने खड़े रहे। गौ माता ने गुड़ को मुंह तक नहीं लगाया। बाद में साहब को खुश करने के लिए कर्मचारी फल सब्जी और चने की थाल भी लाए, लेकिन बेजुवानों ने उसे भी मुंह नहीं लगाया। तब योगी ने वहां मौजूद अन्य अफसरों को तंज कसते हुए कहा कि जब इन्हें कभी ये सब खिलाया ही नहीं होगा तो अब कैसे खाएंगे। कुछ न बोलकर बेजुवानों ने लीपापोती करने वाले अफसरों की पोल खोल दी। इसके बाद योगी ने पांच कक्षों में अलग अलग स्टोर भी देखे। योगी ने यह भी पूछा कि इतनी कम जगह में ये गौशाला क्यों बनाई गई है। इसका भी कोई संतोषजनक उत्तर अधिकारी नहीं दे सके। मुख्यमंत्री करीब 20 मिनट तक वहां रहने के बाद तिंदवारी के सरकारी अस्पताल और खंड विकास कार्यालय पहुंचे। यहां पहले से मौजूद 7 स्वयं सहायता समूहों को मिली गाड़ियों की चाबी सौंपी। सीएम योगी कार्यक्रम में फिर बदलाव करते हुए हेलीकॉप्टर से बांदा लौटने की बजाय सड़क मार्ग से होते हुए बांदा लौटे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बांदा कृषि विश्वविद्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मैनपुरी के एक व्यापारी के घर में 15 लाख की चोरी हो गई। ये घटना थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई। सुबह होने पर चोरी की घटना की जानकारी परिजनों को ही। मौके पर जिले के आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरी घटना रामलीला मैदान के शिवनगर कॉलोनी की है। यहाँ के रहने वाले राकेश कुमार उपाध्याय धान और मूंगफली के व्यापारी हैं। रात 2 बजे जब राकेश कुमार और परिवार के सभी लोग सो रहे थे, तभी चोर छत के रास्ते से घर में घुसे। जिन कमरों में घर के सदस्य सो रहे थे, उनमें चोरों ने बाहर से कुंडी लगा दी, जिससे कोई बाहर ना निकल सके। इसके बाद चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ली। छोटे भाई पत्नी खत्म हो गई, इस वजह से हम पीछे वाले मकान में छोटे भाई के मकान में लेटते थे और हमारे बच्चे हमारे मकान में दूसरे कमरे में लेटते थे। 4:15 बजे करीब हमारी पत्नी ने जब कुंडी खोली बाथरूम जाने के लिए, तो बाहर से कुंडी लगी हुई थी। फिर हमारी बेटी ने हमें फोन किया कि पापा इधर आओ जल्दी। फिर हम उधर से उठ के आए तो देखा कुंडी बाहर से लगी हुई थी, तो हम समझ गए कुछ डकैती पड़ गई हमारे यहाँ। तो हमारा जो एसी रूम का शीशे का दरवाजा था, उसको हमने दोनों हाथों से धक्का मार के तोड़ा शीशे, तो उससे हमारे दोनों हाथ घायल हो गए, फट गए। तो आगे देखा तो हमारे कमरे की कुंडी टूटी हुई थी, स्टोर रूम टूटा हुआ था, अलमारी खुली पड़ी थी, उसमें से कैश और जेवरात और एक लाइसेंसी पिस्टल जो हमारे नाम है, वो बदमाश लेके चले गए। रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने घर में घुसकर हमला बोल दिया, खुद बचाने के लिए दूसरे पक्ष के लोग कमरे में घुस गए। वहीं दबंग पक्ष ने घटना का छत से वीडियो बना रहे युवक पर भी ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के मधुकर गाँव का है। यहाँ दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दे दी गई है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है। एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, तो इसमें थाना शाहबाद में दोनों पक्षों ने जो तहरीर दिया है उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इनकी पहले से भी कशीदगी है, कई बार ये निरुद्ध भी हो चुके हैं। आगे पुलिस इन पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने के लिए एविडेंस कलेक्ट कर रही है और जिसका जितना दोष होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और पिछले क्रिमिनल जो मामले हैं उनके आधार पर इनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही अतिरिक्त रूप से। मैनपुरी में इन दिनों छोटे वाहनों के अलावा बड़े वाहनों की चोरी करने वाला सफारी गैंग सक्रिय है। ये गैंग अभी तक अलग अलग जगह से 3 बड़ी गाड़ियों की चोरी कर चुका है। पुलिस तीनों वारदातों को खोलने में अभी तक नाकाम रही। इस सक्रिय सफारी गैंग के एक सदस्य का पिकअप 407 वाहन की चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चोरी करते समय ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये वारदात बेवर थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजी टोला निवासी विजय शर्मा के यहाँ का। कहते हैं कि एकता में बहुत शक्ति होती है, यदि एकता है तो कोई भी बाल का माका नहीं कर सकता। ऐसा ही नज़ारा जनपद मैनपुरी में देखने को मिला। यहाँ छेड़खानी से परेशान और पुलिस की कार्यशैली से नाराज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कड़ा कदम उठाया है।
महिलाओं ने छेड़खानी करने वाले को पकड़कर उठक बैठक लगवाई, साथ ही कान पकड़कर वहां मौजूद सभी महिलाओं के पैर छूकर माफी भी मंगवाई। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह योजना की महिला के साथ गांव के ही एक मनचले ने छेड़छाड़ कर दी, जिसकी शिकायत चौकी पर की गई। पुलिस ने 11 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद समूह की महिलाओं ने एकजुट होकर मनचले को दंड दिया। मनचला व्यक्ति दबंग बताया जा रहा है, वो अन्य और महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ जैसी वारदातों को अंजाम दे चुका था। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र के इलाहाबाद चौकी क्षेत्र का है। मैंने आया, मैंने उसको बकरी खोल के पकड़ा दी और मैं अपने भैंस के ऊपर झोल डालने लगी और उसने मेरे को एकदम घुफियाया और मेरे गाल फाल नोचे, सीना पे हाथ डाल दिया और मैं रोने लगी, वो भाग गया। बकरी लेने आया, इन्होंने रात में हमको बताया तो इन्होंने 100 नंबर पर भी फोन किया तो 100 नंबर वाली ने आके कुछ भी नहीं बताया, कुछ किया ही नहीं जी। तो हमने सुबह समूह की महिलाओं को इकट्ठा करके चौकी पर गई, वहाँ मैंने रिपोर्ट लिखाई और रिपोर्ट लिखा के और 10-11 दिन मैंने उनका इंतजार किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हम सभी समूह की महिलाओं ने इकट्ठे होकर के उसे पकड़ के और उसकी उसके बयान लिए, तो उसने माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के और कहा कि हम आज के बाद कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। रोहतास जिले के 3 प्रखंडों में पैक्स चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सदर प्रखंड सासाराम के अलावा शिवसागर तथा कोचस प्रखंडों में पैक्स का मतदान हुआ। मतदान में महिलाओं की भी लंबी कतार देखी गई। सुबह से ही महिलाएं अपना परिचय पत्र लेकर मतदान केंद्र पर पहुंच गईं। महिलाओं ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया। जिले में कुल 48 पदों के लिए बनाए गए 149 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। सासाराम के 19 पैक्सों के लिए 52, शिवसागर के 16 पैक्सों के लिए 51 और कोचस के 13 पैक्सों के लिए 46 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 48 भवनों में स्थित हैं। मतदान समाप्त होते ही मतगणना भी शुरू हो गई। आज देर शाम या फिर कल सुबह तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पीएल पुनिया के बेटे और प्रदेश प्रवक्ता तनुज पुनिया बाराबंकी पहुंचे। तनुज पुनिया ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद एनकाउंटर पुलिस की कहानी भर है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है। पुनिया ने योगी के मंत्री रणवेंद्र सिंह के बयान पर भी पलटवार किया। बता दें कि रणवेंद्र सिंह ने कहा था कि भगवान राम भी 100% अपराध न होने की सिक्योरिटी नहीं ले सकते। तनुज पुनिया ने कहा कि इस तरह के बयान देना सही नहीं है। आगामी दिनों में कांग्रेस के दिल्ली में होने वाले धरने को लेकर तनुज पुनिया ने लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि धरने में अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान तनुज ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के जन विरोधी कार्यों के विरोध में कांग्रेस दिल्ली में धरना देने जा रही है। अच्छा काम हुआ है, लेकिन अगर आप कानून के नजरिए से देखा जाए तो एक तरह से इस वाक्य की जाँच भी होनी चाहिए कि भैया पुलिस वहाँ थी, आपकी गिरफ्त में लोग थे, वो कैसे आपसे बंदूक छीन ली, मतलब पुलिस वाले को डीआर्म कर लिया, बहुत बड़ी बात है, कैसे आपने छीन लिया, क्या जांच, क्या वास्तविकता है, तो ये जांच जरूर होनी चाहिए। और बाकी कानून को मौका मिलना चाहिए था कि वो उनको सजा सुनाए। देश के कानून जो सबसे सर्वोत्तम है, हमारा संविधान से जो कानून निकल के आया है, तो उस ड्यू प्रोसेस के थ्रू उनको सजा होनी चाहिए। उन्नाव दुराचार पीड़िता को लेकर दिल्ली एवं नोएडा में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। दिल्ली सपा कार्यालय में आरएस यादव ने कहा कि पीड़िता ने न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। दूसरी ओर नोएडा के सेक्टर 31 स्थित हनुमान मंदिर पर सपा कार्यकर्ताओं ने हवन किया। कार्यकर्ताओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।